हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे सेमेस्टर फोर्थ के बाद सेमेस्टर फिफ्थ में हॉस्पिटल ट्रेनिंग की। बहुत बच्चों का कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ होती है। तो आज मैं ये वीडियो लाया हूँ, हॉस्पिटल ट्रेनिंग सेमेस्टर फिफ्थ बी फार्मा। इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। तो बेसिकली हॉस्पिटल ट्रेनिंग में क्या होता है, आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रोजेक्ट। और इसके मार्क्स लगते हैं। एक्सटर्नल आके आपसे पूछता है कि आपने हॉस्पिटल ट्रेनिंग में क्या सीखा। बेसिकली हॉस्पिटल ट्रेनिंग 30 से 45 दिन के बीच में होती है। 30 मिनिमम डेज होते हैं कि 30 दिन मतलब एक महीना आपको करना ही करना है, और मैक्सिमम 45 दिन तक होता है, ठीक है। आप हॉस्पिटल में अप्लाई करते हो, आपको एक फॉर्म मिलता है जो आपको कॉलेज से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको उस हॉस्पिटल में जाकर अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आती है दो बातें कि आपको गवर्नमेंट में करना है या प्राइवेट में करना है। मतलब कि प्राइवेट में थोड़े से पैसे मिलते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, गवर्नमेंट छोड़ के प्राइवेट में जाते हैं। गवर्नमेंट छोड़ के किस में जाते हैं? प्राइवेट में। पर बच्चों गवर्नमेंट में बहुत फ़ायदा है। फ़ायदा नंबर वन कि उसमें जैसे कि आपको नई बीमारी के बारे में पता लगेगा, ठीक है। जैसे क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नए नए तरीके के पेशेंट आते हैं, तो आपको नई बीमारी देखोगे, आपको नए मेडिसिन को नॉलेज होगी, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम होता है। तो बहुत बच्चों को पता नहीं होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही पोस्टमार्टम होता है, प्राइवेट में नहीं होता। तो वहाँ पे आप जाके पोस्टमार्टम देखो, एक दो रोज की रखो। पोस्टमार्टम देखनी है, बहुत ज़रूरी है। आपका नॉलेज बढ़ेगी, आप रियल में देखोगे ह्यूमंस को कैसे होते हैं ह्यूमन। उसके बाद आपको मतलब फ्री दवाइयाँ मिलेंगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री दवाइयाँ मिलती है आपको। अपने अपने रिलेटिव्स के ले जाओ, अपने घर वालों के लिए ले जाओ, उसके आपके लिंक्स बन जाएंगे। अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई टेस्ट कराना अपने रिश्तेदार का, तो आप वो भी करा सकते हो। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ऐसा आपको प्रोजेक्ट प्रिंटेड प्रोजेक्ट बनाना है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो बेसिकली ये भी आपको प्रिंट होना, कोई टेंशन नहीं लेनी है कि लिखना पड़ेगा, कोई प्रोजेक्ट है, कोई फील्ड वर्क है। आपको बेसिकली ऐसा प्रिंटेड प्रोजेक्ट बनाना है मोटिव फाइल में, स्पाइरल बाइंडिंग में। तो आपको ये प्रोजेक्ट आपको एक्सटर्नल आपका देखेगा और आपसे आके पूछेगा कि आप क्या सीख के आए वहाँ पे 30 से 45 दिन के बारे में। आपको नॉलेज जब से ज़्यादा ग्रेन करनी है, क्योंकि कोविड चल रहा है, आपको नॉलेज नहीं आ रही है प्रैक्टिकल। तो आप प्लीज़ आप पूरी मेहनत करें कि आपको नॉलेज अच्छी आए। और बच्चे बी फार्म में आके 4 साल के बाद प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना नहीं जानते, जो कि एक बहुत गलत बात है। आपको प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना आना चाहिए, इसलिए आप गवर्नमेंट में अप्लाई करो। क्योंकि प्राइवेट में क्या होता है, बेसिकली कम पेशेंट आते हैं, पैसे वाले लोग जाते हैं, और गवर्नमेंट में गरीब आदमी आता है, ज़्यादा लोग जाते हैं बेसिकली। तो जैसे आप 30 से 45 दिन की ये ट्रेनिंग पूरी कर लोगे, तो जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ऐसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि ये सेक्शन 4 है, कि इस बच्चे ने इस इतने दिन के लिए बेसिकली हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करी। और बच्चे देखो कहीं कहीं कोई कोई बच्चे अगर सेटिंग होती है वो जाते ही नहीं, वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं, घर पे बैठते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आपको प्लीज़ जाना चाहिए, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी और आपके बहुत फ़ायदा मंद रहेगा आगे भी, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है। कोविड में आप देखो सब बंद हो चुका है, कोविड में सब आपके कॉलेज के प्रैक्टिकल सारे बंद हो चुके हैं, तो आपको कोई नॉलेज नहीं मिल रही है। बच्चों की फीस ऐसी कहीं ऐसी जा रही है, तो ये एक अच्छा सोर्स रहेगा प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। और कोविड की वजह से कुछ कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, कहीं कहीं हॉस्पिटल मना भी कर रहे हैं कि बच्चों को बंदे को कोरोना हुआ फिर सबको कोरोना हो सकता है। तो रूल थोड़े चेंज हो चुके हैं ऊपर नीचे, वो आप चेक, तो रूल जो चेंज हो गए आप चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि कोविड की वजह से क्या नाम है, कुछ कहीं कहीं मना भी कर रहे हैं और कहीं कहीं अलाउ भी कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको ये करना है, अच्छे से करना है। कोई कोई हॉस्पिटल मना भी करता है, कहीं क्या पता ये रूल चेंज हो जाए, ये रूल ही बंद हो जाए, जो कि अच्छी बात नहीं है। और एक बच्चा मुझसे बहुत जिद कर रहा था, सर की प्लीज़ एक डिग्री दिखा दो लखनऊ की। तो वो तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश की फार्मेसी की लखनऊ की डिग्री है, ये मेरी ही डिग्री है, ये पहले की रह चुकी है जो मैंने एक बार दुकान करी थी। पर अब उसके बाद मैंने फिर जॉब, अब मैं यहाँ पर AKTU में पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने बच्चों को पढ़ाना अच्छा समझा, मुझे मज़ा आता है टीचिंग में, तो मेरी चॉइस थी मैं पढ़ाऊँ, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, वी आर वर्किंग